अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग बाय फ्रेंड रेखी। सो गाइस, अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई 2 बजे, तो दोस्तों ने बोली कि फटाफट उठ, नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद अभी खाना भी बनाने का, तो खाने की रेसिपी तो ले गया लोगों ने, क्योंकि खाने में बना रहे हम लोग दाल चावल, उसकी भी रेसिपी डाल दिए थे हम लोग ने पहले ही, तो वो भी आप लोग चेक कर लेना। और अभी मैं नाश्ता ले रहा हूँ, मैं तो नाश्ता लेता हूँ, फिर उसके बाद अभी एकदम फ्रेश में हुआ मैं अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, तो नाश्ता करने के बाद मैं एकदम फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। तो देखो, ये मेरा नाश्ता है, दूध मलाई और ये पाव। तो मतलब हम लोग, मेरा दूध मलाई फिक्स ही है, दूध मलाई के साथ कुछ भी लेता हूँ मैं, मतलब पाव, ये रोटी, नहीं तो फिर बिस्किट, तीनों में से कोई भी एक, दूध में अगर बिस्किट लेता तो दूध मलाई नहीं लेता, चाय लेता हूँ। तो चलो अभी नाश्ता करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। आज मेरा नाश्ता हो चुका है और अभी खाना बन गया, आपको भी बता हूँ कि खाने में क्या बना है। तो देखो, ये दाल जो बोला था आपको वो है, ये दाल अलग है कि वही सेम है पहले वाली? मसूर की, ये मसूर की दाल है, तो इस वजह से इसका कलर चेंज है थोड़ा बहुत, बाकी सब सेम ही है। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स दोनों के अंदर सेम है। और ये हम लोग का खीमा। गाइस, दोपहर को खाना खाने के बाद, मतलब मैं पहले रेडी हो गया था और खाना खा लिया था, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मतलब, तो फिर ट्यूशन क्लासेस के लिए मतलब मैं फटाफट बैग पहना और निकला, और व्लॉग लेना भी भूल गया था मैं, व्लॉग बनाना, तो अभी मैं क्लासेस से आ चुका हूँ और अभी मैं होमवर्क ही करने बैठा था, तो क्लासेस का, तो अभी होमवर्क कर रहा हूँ मैं, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। और इधर इलाके में देखा तो फिर सबकी लाइट जा रही है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग की गई है, बहुत कुछ की है, कुछ की गई है, मतलब कि देखो हम लोग की है तो उधर की नहीं है, फिर उधर की है तो उधर की नहीं है, ऐसा बहुत सारी बिल्डिंग गई है, मतलब अभी चालू है। और हम लोग का वाईफाई भी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मतलब कि, तो फिर इस वजह से लाइट का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर चलो अभी खाना, मेरा होमवर्क कर लूँ मैं, होमवर्क कर लेता हूँ मैं फटाफट, फिर मिलो आपसे। मेरे को भूख लगी तो मैं सोचा कि कुछ बना लूँ रोसमी के लिए भी, मेरे लिए भी, तो अभी मैं बना रहा हूँ मखाना पड़ा रहा, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ है, कुछ है नहीं, सफ़ेद तील है, सफेद तेल, ये बेकिंग सोडा। तो मम्मी भी आ चुकी है, बोला नहीं? हाँ जी, मम्मी भी आ चुकी है, ये तो बोला भूल ही गया गाइस, क्या बना मैंने, जैसे मम्मी है। हाँ। तो मम्मी हाई बोलो अभी बच्चे लो, ये गाइस लोग को मैं हाई बोलू। सो गाइस, आज मैं जल्दी आ गई थी और मेरा अभी यानी क्या हो गया है, संडे को यानी वीक ऑफ जो रहता है वो मुझे कल मिला है, और आज यानी ऐसा संडे को मुझे वीकडे चालू करना, यानी संडे को मुझे जाना है जॉब पर, और सैटरडे को मुझे वीक ऑफ मिल गया, ऐसा कुछ रूटीन हो गया, क्योंकि उन लोग यानी रोटेशनल शिफ्ट कर रहे हैं, तो बोले कि अभी तुमको संडे को आना रहेगा, तुम्हें ठीक है, तो अभी संडे को मैं जाऊंगी, और इसके लिए आज जल्दी भी आ गई और कल छुट्टी भी है, समझा? तो बोली कुछ बना दे। सो गाइस, अभी मैंने सोचा हूँ कि यह सबसे आसान रेसिपी है अगर आपके पास है तो, नहीं तो फिर ये तो बहुत मुश्किल है भाई मेरा, तो आज दिन ऐसा हो गया ना, सुबह से काम करे जा रहा हूँ मैं, तो बच्चे लोग काम ही करे, और बारिश ऐसी थी कि पूछो मत, हाँ, तो सब छोड़ो, ये देखो ये बारिश में सगाई, तो बारिश में ये खाने के लिए मजा ही कुछ और आता है, एक तो बारिश और गर्मा गर्म ये मिल जाए तो, और ये खोलेंगे, और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उसके लिए भी ये अच्छा है, तो एक गिलास दूध के साथ चार नहीं तो 5 टाइम ये लो, तो आपका इंशाल्लाह घुटने का दर्द सही हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमारे, ठीक है। ये देखो, ये व्हाइट तिल है, ये बेकिंग सोडा और नमक है, आप लोग, हम लोग के पास काला नमक नहीं था, अगर आपके पास है तो आप डाल दो, क्योंकि हम लोग ने सफेद नमक डाला है। हाँ, ये मखाना है, सबसे मेन यही है, और गुड़ है, और ये देसी घी है। अच्छा, तो चलो गाइस, अभी आ जाओ, अभी चालू करते हम लोग बिना किसी देरी के, ठीक है, बनाओ। हाँ, तो गैस चालू करो। ओ, आता चालू कर दे, क्या बात है, चलो चलो चलो, कुछ तो टेंशन फ्री हो गई मैं, अभी मेरा बेटा सब माशाल्लाह से बना देगा, है ना? मैं मेरे मूड के ऊपर हूँ। अच्छा, तो अभी ये तेल गरम, गैस, ये तवा गरम होने के बाद ये तेल डाल देगा, लेकिन थोड़ा मत डालिए हम लोग, ताकि रोस्ट हो जाइए, ठीक है, वो ऐसा रोस्ट टिकटॉक से ऐसे क्या बोलते यूट्यूब वाला रोस्ट नहीं, बस ये गरम होने वाला रोस्ट, ठीक है, कितना दूर करा है डर के मारे तू? हाँ, तो मेरे को आदत थोड़ी ना है, तो सीखेगा तो आएगा ना, मेरे को बस खाली गाइस एक ही चीज़, तो इंस्टाग्राम पे सब स्टोरी क्या डाला है, हाँ वो बीच में हुआ है ना, तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, तो मैं सोचा गया अच्छा, और बाहर भी आ रहा है,
तो अभी हमारे पास दूसरी प्लेट भी आ गई है, तो अब ये सबको दाल ले गया हूँ। तो गाइस यहाँ पे इसे निकाल दिया है, इस तरीके से रेड हो गया है, इसको ठंडा होने रख दिया। और यहाँ पे मखाना डाल रहे हैं अभी, ये मखाना से देखे, मखाना भी अभी रोस्ट होगा अच्छे से। कैसा रोस्ट होगा वो अभी जान दो, कुछ बोल नहीं सकते गाइस। तो हसन बना है शेफ, है ना हसन? नहीं, अरकान मेरा भाई बनने वाला था, पर मेरे को जिसके लिए इंटरेस्ट नहीं, मेरे सब वही काम कराते हैं यार। इसको बना रहा है अभी, तू बोला ना कि मम्मी मेरे को स्वीट खाना है तो मैं बनाता हूँ, तो फिर अभी ओके मतलब क्या? इसे मखाना बहुत फटाफट रोस्ट हो जाता है, मैंने फास्ट पे रख दिया था गलती से, तो इसको स्लो पे रख के अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये रोस्ट हो गया है, तो इसको भी अभी हम लोग अलग प्लेट में निकाल देंगे, मतलब मखाने की जो प्लेट थे उसके अंदर। और अभी इधर से हमारा चालू होता है मेन काम। क्या काम? तो ये जो घी हम लोग ने लिए, वन चम्मच इतना, तो एक चम्मच डालना, वन टेबल स्पून थोड़ा बाद, और वन टेबल स्पून ही है, बारीक है सर, बारीक पे। ठीक है, तो ऐसे हमारा घी चले गया। अभी गुड़ डाल दे फटाफट, बिल्कुल उससे इसको पहले अच्छे से नहीं, इसको गर्म नहीं करना, करना फैला दो। ठीक है, तो ये गया, गुड़ डाल दो पूरा, डाल दो, उड़ के नहीं आएगा? नहीं, गुड़ नहीं उड़ता है, गुड़ कहाँ से उड़ेगा हसन? मैंने गुड़ डाल दिया इतनी मान मुश्किल से, और अभी इसको भी मतलब ऐसा पिघल देंगे ताकि इसका जो वो क्या बोलते क्या बोलते रस जैसा जो इसका रस गरने का नहीं गुड़ का, उसको अच्छे से ऐसा फैला मेल्ट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे, देखो ये, देखो ये थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया, तो ऐसा मतलब ये ऐसा पूरा में हो जाएगा। और अगर आपको डायबिटीज है तो बस खाली ध्यान रख के थोड़ा बहुत लेना, और ये मतलब हम लोग का फिक्का गुड़ है, तो इसके से मैंने ज्यादा लियो। तो अभी इसको अच्छे से ऐसा, और इसको तभी डालना जब घी डालोगे, उसके पहले नहीं डालना, तो फिर उसके पहले अच्छे से स्वाद नहीं बनेगा। नहीं स्वाद बनेगा, बट वो चिटक जाता है वो ही मतलब। तो दूसरे लोग का बर्तन खराब होने से अच्छा भाई बता तू पहले, ताकि उन लोग का भी बच जाए। ये देखो यार हमारा गोल्ड मेल्ट हो रहा है, इसको फास्ट पे कर दो फटफट। नहीं 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 नहीं, जल जाएगा, कर दिया बारीक पे वो कर। ओके, मिलाते रहे अच्छे से, तो मिक्स मिलाते रहो। तो ये हम लोग ने ग्रेटेड, यानी ग्रेट करके थोड़ा ग्रेट किया था, थोड़ा चॉप किया था। हाँ, थोड़ा चॉप किया था, आपको जैसा समझ में आया वैसा कर देना, क्योंकि जल्दी पिघल जाएगा। अभी हमारा देखो गुड़ बस एकदम थोड़ा सा ही है, बाकी पूरा तो गया अभी, तो पिघल जाएगा, उसके बाद हम मिलते हैं। हमारा गोल्ड मेल्ट हो गया पूरा गुड़, तो अभी इसके अंदर डालेंगे हम लोग बेकिंग सोडा। माँ मेरे को डालने दो, तुम ही लेट नहीं करिए। ठीक है, तो तू डाल, चल बाबा चल। हाँ, वही रेसिपी है ना, तो बेकिंग सोडा डालने के बाद अभी इसको अच्छे से ऐसा मिक्स कर लेंगे हम। चलो मिक्स हो जाओ, मिक्स हो जाओ। अर्घन के टाइम पे ऐसा करते थे, उसके हाइट आ गया, उसके पास खड़े होता तो थोड़ा भाई लगता है। चेंज हो गया। हाँ, तो अभी फटाफट गैस बंद करके मखाना मिक्स कर। रुको तो सही, पहले इसको मिक्स होने दो, बेकिंग सोडे को। नहीं, वो मिक्स हो जाएगा, मखाना मिक्स करो, तिल मिक्स कर, डायरेक्ट करो। हाँ, तो गरम के अंदर ही वो चिटकेगा ना अच्छे से। ले पकड़, मैं करती हूँ, मैं कर देता। देखो कितना एक्साइटेड है ये, तिल भी मिक्स कर। ये भाई निकल जा, हो गया, तिल मिक्स कर। अभी भाई तिल के बाद ये देखो, ये हमारा जो रोस्टेड था जो रेसिपी बनाते हैं ना अरकान, उसके अंदर भी ये पता है क्या करते हैं, मैं देखा तो अरकान को बोलते अरकान ले बेटा तू ही कर ले, तू ही कर ले। मेरे टाइम पे मेरे इनको ऐसा गर्म है ना गोड़, तो फिर चमड़ी जल सकती। तो वही बोल रहा था मैं मम्मी कि इनको ऐसा है कि बड़े बेटी की, बड़े बेटे को हाथ जल गया, तो अरे माँ रिस्क है, तभी तो इश्क है। इश्क है किसके साथ? इश्क है जान दो, बोल नहीं सकते अभी। ये है ना, अच्छा गुड़ गर्म रहता है ना, तो चमड़ी भी निकाल लेते हैं बेटा, इसके लिए देखना पड़ता है कि इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर देखो यार गाइस, ये हमारा मिक्स हो चुका है, और गाइस गरम गुड़ रहेगा ना तभी मिक्स कर देना है इसको, तो ये अच्छे से यानी कोट चढ़ जाएगा गुड़ के अंदर। बाद में जो थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद यानी सेपरेट कर देना। तो ये हमारा क्या चालू, क्या बन जाएगा ये मखाना? कैरेमल, और क्या कैरेमल मखाना, वही आगे बोलो वर्ड की पीछे बोलो, दोनों सेम ही। नहीं नहीं, कैरेमल मखाना जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते, पॉपकॉर्न कैरेमल, कैरेमल पॉपकॉर्न बोल सकते ना भाई। ये देख, ये गुड़ गरम है ना, तो अच्छे से मिक्स हो गया, कोट चढ़ गया ना, अब इसको सेपरेट कर सकते, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद सेपरेट कर देना। ओके, समझ में? तेल विल डालकर अच्छे से खा सकते, तो
फिर दूध के साथ खाइए तो यानी जो बोन के लिए प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। ओके मतलब कि गाइस आपकी दादी नहीं तो फिर नानी, अरे सब खा सकते हैं, तुम लोग है ना कैरेमल पॉपकॉर्न वगैरह खाते तो ये खाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ तो इस वजह से अभी मतलब बोलते हैं मम्मी सीढ़ी चढ़ता तो पैर दुखता है। नहीं मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो उल्टा गाइस जब भी लिफ्ट बने थे तो हम लोग रहते उससे लेके पूरा नीचे तक का जाता, फिर वापस से वही मार से ऊपर तक का आता मैं जला जला गिर गया तो बोली थी देखिए गिर गया तो जलेंगे ना तो जल गया। हाँ जल गया गाइस, ये देखो ऐसा होता है, इसको ऐसे मम्मी मेरे को नहीं दिए, थैंक यू मेरी मम्मी, ये ऐसा कोटिंग करके देखो ये एकदम एंडिंग में ऐसा दिखा पूरा। ओके पूरा ठंडा होके ये सेपरेट करते हैं हम लोग उसके बाद। हाँ ये भी ठंडा हो जाएगा उसके बाद करते हैं, तो फिर गरम गरम में तो दोनों के हाथ में छड़के लगेगा बहुत ठंडा ऐसा दिखेगा। फाइनल लुक उसका ऐसा है गाइस, फिर उसका यदि आप उसको तोड़ोगे तभी मालूम नहीं, एक महीने तक ज्यादा हम लोग थोड़ा बनाया, एक महीने तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ अगर आपके अंदर मतलब अगर आपके पास ज्यादा है हाँ तो आप लोग मतलब एक महीने तक का मिनिमम मतलब मैक्सिमम भी है ना एक महीने तक का ही ले सकते, एक महीने तक का ही रख सकते हैं, उसको फ्रिज में नहीं रख सकते ना, बाहर रखने का, फ्रिज में नहीं रखने का, और बाहर रखोगे तो ढक के रखना है तो फिर कौन रखते हैं। हाँ ओके तो चलो भाई अभी इसको अलग कर लेंगे, फिर ओके महारानी साहेब आइए लो आपके लिए खाना परोस दिया गया है, खाना है मम्मी वो ठंडा है, हो गया खाओ तो सही, जब आपके नवासे ने बनाया था पहली टाइम ठंडा हो गया, अभी फ्रिज के नॉर्मल वो निकाला होगा ना, तूने तोड़ा था ना, गरम है क्यों हंसी आ रही, क्या हुआ अच्छा है क्या बोले तो गरम लग रहा है, क्रंची हो जाएगा ऐसा, अच्छा बना है कि नहीं, ठीक ही जैसा लगता है, अच्छा तो ट्राई करने का चाहिए या नहीं चाहिए सब्सक्राइबर लोग को, तोड़ के ही रखा बोलता है मेरे को देखने तक नहीं दिया उससे, बोलता है तोड़े था वैसा लग रहा है, खाने जैसा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो अभी क्या करना है आप लोग, नमक वाला बनाया था ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रेसिपी तू है ना नमक वाली बना, ठीक है ये मेरे मुड़ियों पर था, इसको बना ले, अभी नहीं बना रहा, अभी नहीं कल परसों बनाना, बाद में देखो, हाँ नॉर्मल बना रहे, अच्छे लगे तो जरूर लाइक करना और हम लोग के चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर दो ताकि हमारी वीडियो डायरेक्ट तुम्हारे तक पहुंचे, और अभी मैं ये वीडियो कौन से एरिया से बताते हो देखते हो बता, हां बता नंबर 1 इतना अच्छा बने रहे माशाल्लाह, मेरा हाथ में जादू है, अच्छा सो गाइस चलो मैं व्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर लेंड के बारे में छोड़ो सब जल्दी, थैंक्स फॉर वाचिंग, अरे अभी भी चालू है वीडियो।